जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते टोंक में लॉकडाउन का पूरी तरीके से कड़ाई से पालन किया जा रहा है। ये प्रशासन की कार्यशैली का ही नतीजा है कि अब तक टोंक में कोई कोरोना का पॉजिटिव नहीं पाया गया। वहीं पर माइग्रेंट लेबर को भी सतर्कता बरतते हुए घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और जिले की सभी सेवाओं को सील कर दिया गया है। कि अब तक जिले में एक भी कोरोना का पॉजिटिव नहीं मिला है। जिले की सभी सीमाएं पूरी तरीके से सील करने और कच्चे पक्के रास्तों को पूरी तरीके से बंद करने के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर के शर्मा ने बताया कि भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों के बाद अब माइग्रेट लेबर को और अब अन्य राज्यों में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इनके रहने की व्यवस्था अब गांव के बाहर विद्यालयों में की जा रही है। इसी के साथ ही डोर टू डोर आवश्यक वस्तु वितरण कराने की भी कार्य योजना चल रही है। जिला कलेक्टर के शर्मा ने बताया कि अब तक जिले में 35 लोगों के सैंपल भेजे गए थे जो सभी नेगेटिव आए हैं। अब तक टोंक जिले में 2 लाख लोगों के घरों में सर्वे किया जा चुका है और टोंक की मेडिकल टीम ने 8.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। वहीं 8,214 लोगों को होम क्वारंटाइन पर रखा गया है। टोंक से फिरोज उस्मान।